हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, एग्जिट पॉल के नतीजे आने के बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब हम कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कौन से सेक्टर पर ध्यान दें, क्योंकि अभी कल से मार्केट में रैली शुरू होगी। कल भी निफ्टी 200 से लेके तो 500 पॉइंट्स के बीच में गैप अप खुल सकता है और ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है इसी हफ्ते में, आने वाले वीक में। तो क्योंकि GDP का डेटा भी शानदार आया है और अभी एग्जिट पॉल में NDA को मेजोरिटी मिलेगी, ऐसे मैक्सिमम एग्जिट पॉल में बताया गया है, जिसको भी मार्केट पॉजिटिव जो है रिस्पांस देगा और तेज़ी बनेगी। तो अब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए? तो डिफेंस सेक्टर है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसकी कंपनियों में, क्योंकि गवर्नमेंट आते बराबर डिफेंस पे कंपनी का, डिफेंस सेक्टर पे कंपनी जो गवर्नमेंट का है काफ़ी फोकस रहा है पिछले 10 साल में, तो इसमें और भी पैसा गवर्नमेंट लगाएगी ये मानकर डिफेंस सेक्टर में अच्छी तेज़ी आ सकती है, रेलवे सेक्टर में भी आ सकती है, इंफ्रा सेक्टर में भी आ सकती है। इंफ्रा सेक्टर के शेयर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट आएगी तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ डिक्लेयर करेगी, बजट जल्द ही आएगा और उसमें अभी जो सीज़न आने वाला है बारिश का सीज़न, जिसमें किसानों का काफ़ी ध्यान होता है, तो फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, सीड्स, इन सेक्टर पर भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, इसके कारण ये शेयर्स में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। अदानी ग्रुप के शेयर भी भाग सकते हैं, क्योंकि मार्केट का मानना है कि फिर से NDA गवर्नमेंट आई तो अदानी ग्रुप को अच्छा फ़ायदा होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा सबको लगता है, जिसके कारण अदानी ग्रुप के शेयर्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। और यही इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सोलार, विंड पावर, इस पर भी मार्केट को काफ़ी बुलिश लगता है कि यही गवर्नमेंट रिपीट हुई तो सोलार और विंड पावर सेक्टर पर और भी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, जिसके कारण इस सेक्टर के शेयर भी भाग सकते हैं। तो समराइज़ करने जाए तो रेलवे, इंफ्रा, एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, अदानी ग्रुप के शेयर, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी, इन सेक्टर्स में ऐसा लगता है कि तेज़ी आएगी। आप लोगों ने इन सेक्टर के शेयर्स की वॉचलिस्ट बनाकर इन सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, जो कि हो सकता है आने वाले दिनों में ज़बरदस्त रैली दिखाए। और मैं इनमें से काफ़ी शेयर्स कवर करता हूँ और करते रहूँगा, अभी शेयर्स के नाम बताने की बात नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, बट इन सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए कि इलेक्शन के बाद इन शेयर्स, इस सेक्टर्स पे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं और मेरी टीम कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9992364000 इस नंबर पर। अगर आप एपस्टॉक्स, ग्रो, जेरोदा, एंजल वन या कोई भी डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, उसका नाम लिखना मत भूलिए व्हाट्सएप करते वक्त, हमारी टीम बताएगी कि आपके ऐप से हमारा ऐप बेटर क्यों है और आपने हमारे ऐप पर शिफ्ट क्यों होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ निफ्टी। थैंक यू फ्रेंड्स।